दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहले उड़ने वाली कार जो सड़क पर चल सकती है, हवा में उड़ सकती है और कमर्शियली मार्केट में अवेलेबल भी है, और इस कार को डच कंपनी पॉल बी लिबर्टी ने बनाया है। आइए बात करते हैं इस उड़ने वाली कार के बारे में। पॉल बी लिबर्टी ने इस सिद्धांत का दावा सन 2012 में किया था और इस कार का मूल्य 4,25,000 यूरो है। और दोस्तों थोड़ा तो महंगा होगा ही अगर आप ऐसे उड़ने वाली कार लेंगे। तो वो जो कार है वो 4,25,000 यूरो की है, जितने में 26 फोर्ड क्रेस्टा कार आ सकते हैं। इस कार का नाम है PALV5। इस कार में दो इंजन लगे हुए हैं, जिनमें से एक का प्रयोग जमीन पर ड्राइविंग करने के लिए और दूसरे का यूज हवा में उड़ने के लिए किया जाता है। दोनों इंजन का निर्माण ऑस्ट्रिया की विमान इंजन कंपनी रोटेक्स ने किया है। जमीन पर चलते समय वाहन के इंजन की क्षमता 100 हॉर्स पावर हो जाती है और इसका माइलेज 31 माइल्स प्रति गैलन होता है, और ये कार 9 सेकंड से भी कम में 62 मील प्रति घंटे की तेजी से चल सकती है और इसकी अधिकतम गति 100 माइल्स पर आवर है। इसके अलावा दो सीटों वाले इस कार का वजन लगभग 1413 पाउंड होता है और जब इसमें 26.4 गैलन ईंधन भरी जाती है तो इसके कुल वजन में 160 पाउंड और बढ़ जाता है। ये लिबर्टी कार जब जमीन पर चलती है उस समय ये एक तीन पहिया वाहन यानी कि 3 टायर वाली व्हीकल बन जाती है। ये पूरी तरह से भरी हुई ईंधन टैंक के साथ 817 मील की दूरी तय कर सकती है और इसके छत के साथ एक प्रोपेलर कसकर बंधा होता है। जब ये उड़ान भरती है तो लिबर्टी के प्रोपेलर और टेल ब्लेड्स खुल जाते हैं और वाहन यानी कि व्हीकल गायरोप्टर में चेंज हो जाते हैं। जमीन पर चलने वाले वाहन के रूप में लिबर्टी की लंबाई 13.1 फुट और ऊंचाई 5.4 फुट होती है। जब ये हवाई मोड में यानी कि एयर मोड में होता है तो इसकी लंबाई 20.1 फुट और ऊंचाई 10.5 फुट हो जाती है। और पॉल बी के अनुसार जमीन पर चलने वाले वाहन से हवाई मोड वाले वाहन के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है उसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं। और दोस्तों उड़ने वाली कार के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।